इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, चीजों का जलना। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के ए टू जेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो इसी तरह का और भी प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर ये सारे प्रश्न उत्तर और स्थानों की पूर्ति कीजिए और यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाइए। तो चलिए सारा प्रश्न का उत्तर आपको पीडीएफ से बताते हैं जो आपके लिए बनाया है। देखिए पहला प्रश्न, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो उत्तर लिखेंगे, पानी ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, इससे आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। तो आग दो कारण से बुझता है, ठीक है। पहला क्या है, पानी क्या करता है, कोई पदार्थ जल रहा है ना, ठीक है, मान लेते हैं लकड़ी जल रहा है, तो उस पर डालेंगे तो उसका ताप कम कर देता है, ठंडा कर देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है ना, पानी डालें, ठीक है, तो उसकी आग से, उसकी गर्मी से क्या होता है, जलवाष्प में बदल जाता है कुछ पानी और वो जलवाष्प बन जाता है ना, जैसे मान लेते हैं कि लकड़ी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मानिए कि ये लकड़ी है, अब जलवाष्प डाले तो पानी डाले तो जलवाष्प में बदल गया, ठीक है, कुछ पानी, तो इससे क्या होगा, इससे जो वायु की आपूर्ति है ना, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा था ना लकड़ी को, तो वो बंद हो जाता है और आग बुझ जाता है। टू नंबर है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? जी काला बन रहा है, यानी क्या है, कार्बन है, समझे। तो उत्तर लिखेंगे, मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र में कार्बन के कुछ कण बचे रहते हैं, इसी कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है, ठीक है, काला वलय बनता है। तो देखिए यहाँ पर मोमबत्ती के ज्वाला का जो भीतरी क्षेत्र होता है ना, भीतरी क्षेत्र, तो इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इसमें है ना, इसमें जो कार्बन के कण हैं वो ठीक से जल नहीं पाते हैं, तो कुछ बचे रहते हैं। तो वही बात बोला जा रहा है, कांच के प्लेट लेट जाएंगे ना, कांच के प्लेट ले जाएंगे तो काला वलय बन जाएगा, जो कार्बन बचा हुआ है, जो जला नहीं है। अगला सवाल है 3 नंबर, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, आग की चपेट में आए व्यक्ति को कंबल में लपेट देने से उसका वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। जैसा हम सबको पता है, किसी वस्तु को जलने के लिए ना वायु चाहिए, यानी ऑक्सीजन चाहिए, समझे। जब व्यक्ति को है ना, जब व्यक्ति को कंबल में लपेट देते हैं तो क्या होता है ना, तो वायु जो है ना, वायु से संपर्क टूट जाता है बस, और आग बुझ जाता है। 4 है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? तो उत्तर लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है। कि देखिए बहुत गर्मी रहता है ना, तो जो सूखा हुआ घास रहता है ना, सूखा हुआ घास जंगल में, ठीक है, तो वो जल्दी जल जाता है, इतना ज़्यादा तापमान हो जाता है, बताइए। और फिर सूखा घास से आसपास का पेड़ पौधा में सब में आग लग जाता है और फिर क्या होता है, आग पूरा के पूरा फैल जाता है जंगल में। उसके बाद एक और कारण है, जो पेड़ होता है ना, तो पेड़ की डाली बहुत सूखा हो रहा था, नमी बहुत ही कम रहता है ना हवा में, गर्मी के मौसम में, तो जब हवा चलता है तो पेड़ की डालियाँ एक दूसरे से टकराती है और घर्षण से क्या होता है, ठीक है, आग पैदा हो जाता है और बस वो आग फैल जाता है। पेड़ पौधे जंगल में बहुत एक दूसरे के नज़दीक होते हैं ना, तो ये आग को फैलने में, ठीक है ना, बहुत कम समय लगता है। 5वां नंबर है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, ठीक है, उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिंगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा? तो देखिए सबसे पहले है ना, गोलू क्या किया ना, आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर मिश्रण बनाया। जैसा कि पता है आपको, पेट्रोल का जो घनत्व होता है ना, वो पानी से कम होता है, तो वो ऊपर ऊपर रहता है, ठीक है, घुलता नहीं है, समझे, तो वही बोला गया। तो यहाँ पर यही काम आएगा, तो जैसे ही माचिस के तिल्ले इसे जलाया ना, तो ऊपर का क्या, जब सिर्फ पेट्रोल जला, ठीक है, पेट्रोल ऊपर था और बस आग लगी पर कपड़ा नहीं जला,
उत्तर लिखेंगे पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले जल जाता है। ठीक है ना, ज्वलन ताप बोलते हैं ना, जिस ताप पे कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं उस पदार्थ का। तो पेट्रोल क्या होता है, का ज्वलन ताप बहुत क्या होता है, पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले जल जाता है, लेकिन पानी से भींगा कपड़ा ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचने से नहीं जला। समझे, तो पानी से जो भींगा कपड़ा था उसको ज्वलन ताप मिलेगा तब ना जलेगा, तो नहीं जल पाता इसलिए कपड़ा नहीं जलेगा। 6 नंबर है, माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बे से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, माचिस की तिल्ली पर, ठीक है, जो भूरा रंग का होता है ना उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो माचिस की तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट रसायन होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, पोटेशियम क्लोरेट, और डिब्बी पर लाल फॉस्फोरस और सल्फर होता है। डिब्बी जो डिब्बा होता है ना उसके किनारे किनारे देखते होंगे रुखड़ा रहता है, तो उस पर क्या रहता है, लाल फास्फोरस रहता है और सल्फर रहता है। तिल्ली को डिब्बी से रगड़ने पर लाल फास्फोरस जलता है और तिल्ली को जला देता है। जैसे घर्षण किए ना, जैसे देखिए ये डिब्बी है, ठीक है, ये तिल्ली है, माचिस की तिल्ली, ठीक है, जैसे ही क्या उसको रगड़ते हैं ना यहाँ पर, तो इस पर जो लाल फास्फोरस रहता है ना उसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, तो जैसे ही घर्षण करते हैं तो वो हल्का तितकी बिकता है, समझे, और उस तितकी से क्या होता है, इस पर जो है ना तिल्ली पे जो पोटेशियम क्लोरेट है वो जल उठता है, और इस प्रकार से माचिस की तिल्ली भी जल जाता है। अब देखिए 7 नंबर, ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए, तो आपको फोटो बनाना, समझे, तो ये रहा मोमबत्ती और यहाँ पर 3 क्षेत्र बना दिए, 1 और 2 हो गया और ऐसे करके 3 हो गया, समझे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना सबसे पहले वाला आंतरिक क्षेत्र है, बीच में जो है उसको मध्य बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का, और जो रेड वाला वो बाहर क्षेत्र है क्योंकि बाहर है, समझे। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक क्षेत्रों का ना पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जैसे समझिए कि इस तरह से ये है, दूसरा है, तीसरा है, तो सबसे ऑक्सीजन ज़्यादा किसको मिलेगा, सबसे बाहर वाला को मिलेगा, ठीक, उससे कम बीच वाला को मिलेगा, सबसे कम क्या ये है ना ये अंदर वाला को मिलेगा, जिसको आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। तो आंतरिक क्षेत्र तो क्या सबसे कम गर्म होता है, और बीच वाला क्या मध्यम गर्म होता है, और जो बाहरी क्षेत्र है सबसे बाहर वाला सबसे अधिक गर्म होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना जो कार्बन के कण है ना वो अच्छे से जलते हैं और बहुत ऊष्मा देते हैं। तो ये फोटो का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको बना दीजिएगा। अगला सवाल है, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए हम निम्नलिखित कार्य करते हैं, ठीक है, तो घर में आग ना लग जाए ना तो क्या क्या करते हैं। तो पहला क्या करते हैं, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल को रसोई घर से दूर रखते हैं, ठीक है ना, रसोई घर से क्या करते हैं, दूर रखते हैं, क्योंकि ये सब है ना जल्दी जल जाता है, इसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। और क्या करते हैं, खाना बनाते समय संश्लेषित कपड़े की जगह सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि संश्लेषित कपड़े होते हैं ना नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर का, पॉलीथीन जैसा होता है, तो उसमें जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो ये सब करते हैं, तो और भी ढेर सारे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर आधे लिख दिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। तब और भी बहुत सारा काम करते हैं, जैसे जिनके घर में एक्स्ट्रा सिलेंडर होता है ना तो भरा हुआ रहता है तो उसको किचन से दूर रखते हैं, समझे, इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। तो 9 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है यानी शुरू करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ये तो आपको इसी वीडियो में बताया है कुछ समय पहले। क्या है, डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो सफ़ेद फॉस्फोरस होगा, समझे, सफ़ेद फॉस्फोरस, इसका ज्वलन ताप इतना कम होता है ना, कमरा का ताप ही होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आप घर में रखिएगा ना तो ये जलने लगेगा। क्या है, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन का मतलब कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन, तो जो मोम है ना इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। घर है, ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प बनता है।
समझे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और जलवाष्प बनता है। अंगा देखिए, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है तो क्या होता है, कम होता है, यानी कि आसानी से कौन जलेगा, पेट्रोल जलेगा, समझे, कम ताप पे। 10 है, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो क्या है, कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, तो ये गलत है, कागज नहीं जलता है। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि मान लेते हैं कि कागज का कटोरा है, इसमें पानी डाल दिए तो गर्म करते हैं ना, तो पता है कागज को जलने के लिए जितना ताप चाहिए ना वो नहीं मिल पाता है, वो ताप किसको मिल जाता है, पानी को मिल जाता है और वाष्प में पानी बदलने लगता है, लेकिन कागज को जलने के लिए जितना ताप चाहिए ना उतना मिल ही नहीं पाता है, तो कागज क्या होता है, नहीं जलता। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कागज जल जाता है, तो ये तो गलत हो गया। खैर, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, तो ये तो सही है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही। गह है, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो ये गलत है। आपको रिक्त स्थानों के पूर्ति में क्या बताएं, या कौन सा फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस होता है, उजला फास्फोरस, वो कमरे के ताप पे आग पकड़ लेता है, लाल वाला नहीं, ठीक है, यहाँ लाल बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। घ है, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो सही बात है, तो हो जाएगा सही। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो सही है, पर अम्ल होता है H2SO4 होता है, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो अग्निशामक यंत्र होता है ना जिससे आग बुझाते हैं, लाल कलर का होता है, बैंक में देखे होंगे, बहुत सारा अपार्टमेंट में लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो इसमें यही होता है, तो उसको जैसे दबाते हैं ना तो जो अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, दोनों अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, वही बाहर निकलता है और जलता हुआ जो वस्तु है उसको बुझा देता है। चाह है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि पता है ना, जैसे मान लेते हैं कि समुद्र में क्या होता है ना, पेट्रोल ये सब गिर जाता है ना, तो देखिए मान लेते हैं ये समुद्र का पानी है और पेट्रोल तो ऊपर ऊपर रहेगा, अभी जब पानी से बुझाएंगे तो पानी से डालिएगा तो पानी नीचे चल जाएगा, समझिए, और तेल ऊपर के ऊपर ही रहेगा, तो ये नहीं बुझा पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।